अरे मदन, अरे रुक रुक रुक, रुक जा रुक जा। अरे अरुण भैया, क्या हुआ? तू मिल गया था क्या? हाँ, वही से आ रहा हूँ। किस किस का धान लेके गया? सिर्फ कमल मस्तर का, बस। जाने से पहले मुझे भी बताता तो मेरा भी धान ले जा सकता था। मुझे तो पता नहीं, वरना मुझे क्या, मैं तो ले जाता। सो तो है, खैर छोड़ ये सब, धान कल भी ले जाने से होगा। ठीक है, शाम को कुछ सब्जियां बाजार लेके जाना है, सकेगा? हाँ, सब्जी लेने के लिए और दो चार लोगों ने भी कहा। अच्छा, आपका कितना होगा? ज्यादा नहीं, दो तीन बोरियां। ठीक है, एक साथ ले जाऊंगा। ठीक है, सीधा घर तक आना। हाँ, अब जा। ठीक है, जा जा। राजू, तुम्हें एक बात पता चला है कि नहीं? क्या रे? हमारा गांव का जो सड़क, वो बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। वो बात मैंने भी सुनी है, लेकिन काम कब से शुरू होगा वो किसी को मालूम नहीं है। नहीं रे, मैंने तो सुना है काम बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। तुझे किसने कहा? कल ठेकेदार ने देख के गया है। कितने बजे आया था? सुबह 10 बजे। तूने उसे मिला था? हाँ, बात भी किया है, बहुत अच्छा इंसान है। क्या कहा उन्होंने? बहुत जल्द शुरू होगा। उन्होंने हमारे गांव वालों से मदद भी मांगा है, और हमने भी उन्हें कहा है कि अगर हमारे लायक कुछ काम हो हमें जरूर दीजिएगा। फिर क्या कहा? उन्होंने कहा कि देगा, गांव के इच्छुक लड़कों को काम का सुविधा दिया जाएगा। अच्छा ही होगा, अगर वो सुविधा दे तो सप्लाई का कुछ ना कुछ काम कर पाऊंगा। हाँ, और जाते जाते उन्होंने क्या कहा मालूम है? क्या? कि आप लोग पैसे की चिंता मत कीजिए, वो सब चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस काम अच्छा होना चाहिए। अच्छा, तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, कुछ भी दे हम करेंगे। चल अब घूम के आते हैं। चलो। गार्गी, रुको तो। क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों रोका? अरे मैंने तुमको कब रोका? मुझे तुमसे कुछ कहना था, इसलिए मैं रुक गया। ठीक है, बोलो क्या बात है। क्या बात मतलब, तुम्हें कहूं या नहीं? कैसी फालतू बातें कर रही हो? पहले तो कुछ कहने के लिए मुझे रोका, और अभी बोल रहे हो कि आज कहूं या नहीं। मेरा मतलब, तुम इतना दूर पैदल चलकर आ रही हो, मुझे बहुत बुरा लगा है। अरे पैदल मैं चल के आ रही हूँ, और उसमें तुम्हें बुरा लगने वाली क्या बात है? फिर भी तुम हमारे गांव की लड़की हो। देखो, इस गांव में पैदल कॉलेज जाने वाले लड़की सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, और बहुत सारे हैं। उनके लिए तुम्हें बुरा नहीं लगता? गार्गी, जब भी मैं तुम्हें कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ तभी तुम उल्टी जवाब दे देती हो। क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ? नहीं, बुरा तुम नहीं हो, तुम्हारी बातें कुछ ऐसी हैं कि मुझे अच्छी नहीं लगती। हो सके तो मेरे भैया से कुछ सीख लो। तुम राजू के बात कर रहे हो? वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर अच्छा दोस्त है तो दोस्त की बहन से कैसे व्यवहार करना चाहिए वो भी नहीं पता है क्या? गार्गी, तुम तो बिल्कुल गुस्सा हो गए। तुम मेरी बातों की गलत जवाब निकाल रही। गलत मतलब मैं नहीं निकल रही, तब से मैं देख रही हूँ तुम बातों को घुमा फिरा कर कुछ अलग तरीके से कर रहे हो। गार्गी, प्लीज राजू को कुछ मत कहना। ठीक है, तो फिर आइंदा ऐसा भी नहीं करना।
लड़की की शादी का यही सही उम्र है। ओ, बस करो, शादी शादी शादी, तुम तो लड़की के शादी देने के लिए तौले हुए हो। अगर वो और पढ़ना चाहती है तो? कितना पढ़ेगी? बीए फाइनल तो दे रही है। क्यों, बीए पास करने के बाद और पढ़ाई नहीं होती है क्या? कितना पढ़ेगी वो? अगर पढ़ना भी चाहे तो शादी के बाद भी पढ़ सकती है ना। अच्छा, इसका मतलब तुमने कहीं लड़का देख रखा है। मैं कहां लड़का देखूंगी, कितने सारे अपने हैं, उन्हें खबर भेजना होगा। तो तुम्हें इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। मैं कहां उतावला हो रही हूँ, लड़की की विदा होने के बाद ही बहू के बारे में सोच पाऊंगी। अच्छा, तो असली जड़ कहीं और है। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राजू, तू खेत गया था? हाँ, सेम में खाद डाल दिया और दो आदमी मरसा तोड़ने के लिए लगा दिया। अच्छा, ए राजू, यहाँ बैठ। मैंने तुझे शहर जाने को कहा था, तू भूल गया क्या? नहीं भूला पिताजी, शहर जाके मैं क्या करूँगा? क्या करूँगा मतलब, पहले 2-4 महीने ऐसा ही रह, फिर धीरे धीरे खबर लेते रहना, अरे कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। पिताजी, यहाँ हम कौन सी दिक्कत में हैं? अब तक तो हम लोग ठीक ही चल रहे हैं। अरे अब तक तो हम लोग ठीक चल रहे हैं, लेकिन आगे चलकर क्या करोगे? सड़क चौराहे यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ रहने से उन्नति कैसे कर पाओगे? देखो, हमारे दिन तो ऐसे ही बीत गए, लेकिन तुम लोग ऐसे नहीं चल पाओगे। पिताजी, आप इतना चिंता मत कीजिए, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तेरा पिताजी खामोखा चिंता करता रहता है, इन्हें शायद लगता है कि हमारे गांव वाले अच्छी तरह से गुजारा नहीं कर पा रहा है। अरे दो वक्त की रोटी से गुजारा नहीं होता है। अरे इतना पढ़ाई करने के बाद राजू क्या खेती करते रहेगा? पिताजी, सिर्फ खेती क्यों करूंगा, दूसरे काम करने की कोशिश में भी लगा रहूंगा, आखिर नसीब में जो है वो तो होता ही रहेगा ना। माँ, चाय बनाओ, एक कप गर्मा गर्म चाय पिताजी को पिला दो, इनके सारे चिंता दूर हो जाएगा। राजू, मजाक मत कर, जब तक तेरा साथ कुछ सही नहीं होगा, मेरा चिंता दूर कैसे होगा? पिताजी, आप धीरज रखिए, वक्त अभी भी खत्म नहीं हुआ है। खुद का धीरज नहीं और कहता है मैं तबला हो रही हूँ। माँ। अरे बेटी, तू आ गई। जी पिताजी। परीक्षा कैसा हुआ? बस ठीक ठाक। अच्छा। देखो, धूप में चलते चलते कैसी हो गई है, हड़बड़ी में सुबह भी कुछ नहीं खा कर गई। वो सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, बाद में दिखाना, पहले चलो हाथ मुंह धोकर जल्दी जल्दी कुछ खा लो। चलो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आप इस रास्ते पे पहली बार आए हैं। इस रास्ते पे पहले भी मैं एक रोज आया था, लेकिन तब ये कीचड़ पानी कुछ नहीं था। बारिश होने पर ऐसा हो जाता है। लेकिन आप किसके घर जाएंगे? दरअसल मैं किसी के घर नहीं जा रहा हूँ, ये सड़क नया बनेगा और ये सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है, इसलिए बस एक बार देखने आ गया। अच्छा, ये लीजिए, आप लोग चाय पानी पी लीजिए। नहीं, हम पैसे कैसे ले सकते हैं? गाड़ी को थोड़ा सा धक्के लिया, उसके बदले में हमें पैसे? नहीं, कुछ नहीं होगा, लीजिए।
नहीं सर, आप हमें क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सर? आप हमारा मेहमान हैं, ऊपर से हमारे गांव के सड़क बनाने आया है। नहीं सर, हमें तो आपका खातिरदारी करना चाहिए सर। ठीक है, चलता हूँ। ओए सुनो तो, उस गाड़ी में कौन था? गांव का ठेकेदार, गांव का रास्ता बनाने आए हैं। क्या कहा तुम लोगों को? कुछ नहीं, गाड़ी फंस गया था और धक्केल के निकल दिया बस। चल उस दिन मैं इनसे मिला था। जी मुझे पता है, लेकिन आप काम कब से शुरू करने जा रहे हैं? एक बार इंजीनियर आके देखेंगे, उसके तुरंत बाद ही काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को मेरा सहायता करना पड़ेगा। वैसक, आप सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि हमें क्या करना है, हम तो रेडी हैं। हाँ, सबसे पहले काम करने वाले लोगों को रहने के लिए एक घर चाहिए। हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। और सारे सामान सुरक्षित रहे, इसके लिए आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। सब ठीक रहेगा, चलिए बैठ के बात करते हैं। नहीं, आज घर नहीं आऊंगा। कुछ नहीं होगा, ऐसे रास्ते से ही चले जाएंगे क्या? ठीक है, चलिए, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा। चलिए आइए। चलिए चलिए। आइए आइए। मुझे इस गांव का परिवेश बहुत अच्छा लगा। हाँ, कम्युनिकेशन थोड़ा बेटर हो जाए तो और भी अच्छा लगेगा। बेटा। हाँ पिताजी। राजू। पिताजी आइए आइए बैठिए। मंजीत जी, ये मेरा पिताजी है। नमस्ते, मेरा नाम मंजीत चौधरी है। अच्छा पिताजी, रास्ते का काम जो होने वाला है वो काम इनको ही मिला है। बहुत दिन इंतजार के बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिली। आपको कैसे यकीन दिलाऊं, इस रास्ते की वजह से हमें कितनी तकलीफ होती है। मुझे मालूम है, बस कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपका घर पूछा तो खराब तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, इसमें खराब लगने की क्या बात है, मेरा घर गुवाहाटी में है। ठेके के लाइन में कितने दिनों से है? यही कुछ 4-5 साल। मैंने असम के बाहर पढ़ाई की है, सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ गया हूँ। सरकारी नौकरी में ट्राई नहीं की? दरअसल सरकारी नौकरी में दिलचस्पी नहीं। ठीक किया है। अच्छा अब बैठिए, बातचीत कीजिए, मैं थोड़ा बाजार होके आता हूँ। जी। अगर आप लोग चाहे तो मेरे साथ काम कर सकते हैं। जरूर, अगर आप चांस देंगे तो हम जरूर काम करेंगे। वैसे भी फिलहाल हम लोगों के पास कोई काम नहीं है, पढ़ाई खत्म होने के बाद वैसे ही खेतीबाड़ी में लगे हुए हैं। पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने बोटानी में पीजी किया है और इसने जूलॉजी में। क्या कहते हैं, आप लोगों को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगा था। वाकई मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। थैंक यू। मंजीत जी, ये मेरी बहन है। नमस्ते। बीए की फाइनल दी है। आपका नाम क्या है? गार्गी काकोटी। यहाँ कॉलेज कहाँ है? टाउन में, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे गांव के सारे कॉलेज स्टूडेंट 5 किलोमीटर पैदल या साइकिल लेके जाते हैं और वहाँ से बस पकड़ते हैं। बहुत तकलीफ होती है। यहाँ तक कुछ नहीं चलता? पहले छोटा मोटा टेम्पो चला करता था, लेकिन जब से रास्ता का हालत बिगड़ गया तब से सब कुछ बंद हो गया। अरे
आप लोग छाए लीजिए ना, वरना छाई ठंडी हो जाएंगी। वाह, आप लोगों को मानना पड़ेगा। क्या कीजिएगा, इसके सिवा सारा भी तो नहीं है। मंजीत जी, आपको एक बात जानकर और खुशी होगी, यहाँ के हर बच्चे शिक्षित है, चाहे बाप ठेला या रिक्शा ही क्यों ना चलाए। वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इतना देर हो गया, वो अब तक आया नहीं। अरे वो ठेकेदार बन के आया है और किसी का मेहमान बन के आया है। वही तो, कहीं रात में राजू का घर में ना रह जाए। अरे तू भी ना, वो रात को राजू का घर में क्यों रहे, अपना खुद का गाड़ी लेके आया है, गाड़ी लेके चला जाएगा। लेकिन अब तक आया नहीं, क्या बात है? आज सोर डे क्या? नहीं नहीं, आज जैसे भी हो उसको मिलना ही है। हाँ देख देख आ रहा है। आ रहा है क्या? हाँ। एक काम करते हैं, उसे रास्ते में रोक देते हैं, रहेगा ठीक है? ठीक है, जल्दी से। ये बाइक बीच सड़क पे किसने रख दिया? हमने ही रखा है भाई, आपसे जो मिलना है। जी बताइए। अगर बुरा ना माने तो आप बाहर आ सकते हैं क्या? इस सड़क का काम आपको मिला है ना? जी हाँ। कब से शुरू होगा? बहुत ही जल्द शुरू होगा, कुछ ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज बाकी है, उसके पूरे होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। कितने की काम है ये? वो तो एस्टीमेट के मुताबिक ही होगा। लेकिन हमने तो सुना है बहुत पैसों की काम है। काम लेकिन ठीक ठाक कीजिएगा। बेशक, काम तो अच्छे से करना ही पड़ेगा। नहीं, कोई कोई ठेकेदार ऐसे होते हैं, काम की ऐसी की तैसी, बस नोट अपना जेब में भरना है। मैं वैसे ठेकेदारों में से नहीं, बस काम शुरू होने दीजिए, आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। लेकिन हमें भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मतलब कुछ प्रतिशत कमीशन हमें भी दीजिएगा, काम आए तो अब हमारे गांव से ही ले रहा है। बुरा मान गए क्या? नहीं, अब मैं चलूं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तूने गौर किया कि नहीं, ठेकेदार साहब कैसे गार्गी को देख रहे थे? रुको, क्या बोला तूने? ठेकेदार साहब तुझे किस निगाह से देख रहे थे? मतलब क्या मतलब? हमें तो देखकर ही पता चलता है कौन किस निगाह से किसको देख रहे थे, और गार्गी भी थोड़ी थोड़ी शर्मा रही थी। चुप कर, तुझे तो हर किसी की निगाह में प्यार दिखाई देती है। चल घर चल। माँ, चाची। अरे तुम तीनों कहाँ गई थी? सड़क का काम चल रहा है ना, वो देखने गई थी। काम चल रहा है? हाँ।
चाची इतने सारे लोग आए, आप गए नहीं? नहीं, एक बार देख के आइए, गांव के सारे लोग गए हैं। एक बार मैं भी जाऊंगी। वो ठेकेदार आया कि नहीं? हाँ आया है ना, मुझसे बातें भी की है ना छाया। बहुत अच्छे इंसान है। राखी तुमसे जान पहचान हुआ कि नहीं? हाँ हुआ है। क्या कहा तुम लोगों को? नहीं नहीं, इतना बातें करने का मौका ही नहीं था, बहुत व्यस्त है वो, और वैसे कोई बड़े अफसर भी आए हैं। अच्छा, बहुत लोग जमा हुए हैं क्या? हाँ मानो बाजार बैठ गए हैं। अच्छा, इसलिए तो आपको कह रही हूँ, एक बार जाके देख लीजिए। गार्गी प्यास लगी है, पानी पिलाओ। चलो। सिर्फ पानी क्यों, दही और बड़ा चावल का जलपान भी है, साथ में पके हुए केले भी है। जाओ जाओ जल्दी खा लो। वाह चाची, आपको कैसे पता चला हम आ रहे हैं? अरे मुझे सब पता है, जल्दी जल्दी खा लो। जाओ गार्गी, चलो जल्दी करो, कोई और आ जाएगा तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। अरे ये तो बहुत लालची है, जलपान और दही का नाम सुन के इससे रहा नहीं जा रहा है। ठीक है तू मत खा, तेरे हिस्से का मैं खा लूंगी। अरे झगड़ा मत करो, तीनों खा पाओगे, इतना तो है। जाओ जाओ जल्दी खा लो। जाओ चल, चलो चलो चलो। मरेगा मुझे? मार मुझे। पागल है क्या? तुझे मारने नहीं आया हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं करना। ए गर्गी, गर्गी सुनना, मैं तुम्हें इतना पुकार रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाथ छोड़ो। ए गर्गी, तुम दिन भर दिन घमंडी होती जा रही हो,